गाइस, मैं रजत आपका अपने ब्लॉग में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि पता है आपको कि हमारी हरिद्वार बद्रीनाथ और केदारनाथ जी की सीरीज चल रही है, तो इसके अंदर आपको पता है हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम कैसे हरिद्वार से बद्रीनाथ पहुंचे थे और बद्रीनाथ के हम जो टेम्पल हैं हमने वहाँ पर दर्शन करे थे। तो गाइस, इस वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट डे है उसके बारे में बताऊँगा कि कैसे हम जो बद्रीनाथ जी है वहाँ पर हमने नेक्स्ट डे वहाँ से बद्रीनाथ जी से हमने माणा गांव गए और वहाँ पे हमने जो माणा गांव में जो चीज़ें हैं उनको देखा और जो टेंपल है वहाँ पे, जो सरस्वती नदी है वहाँ पे भी देखा हमने, वो उस चीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। और हम कैसे गए और वहाँ पे जाने का कैसे क्या तरीका है और कितनी दूर है और कितना खर्चा आया, तो इस वीडियो में गाइस मैं ये सब चीज़ें आपको बताऊँगा। तो देखते रहिए गाइस इस वीडियो गाइस। जैसे कि आप बद्रीनाथ मंदिर जो है, टेंपल जो है, वहाँ से आप थोड़ी सी दूर निकलोगे, मतलब जो चौक है जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जय बद्री विशाल, वहीं पे आपको बद्रीनाथ जी का टैक्सी स्टैंड है, वहाँ पे आपको सारी टैक्सी मिल जाएंगी। तो आपको अगर आप 4-5 लोग हो तो वहाँ पर आपको शेयरिंग में टैक्सी मिल जाएगी, आप शेयरिंग में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो उसका किराया तकरीबन जो पर हेड है 50 से 100 रुपये पड़ता है आपको, ठीक है। और अगर आप अपनी टैक्सी करके जाते हो तो वहाँ पे माणा गांव जो है आपको पहुँचा देंगे, 500 रुपये में पहुँचा देंगे आपको। हमने वहाँ पे टैक्सी करी थी तो हमारे को, हम दो लोग थे तो हमारे को वहाँ पे 500 रुपये पड़े और तकरीबन हम वहाँ पे आधे घंटे में पहुँच गए थे। तो गाइस रास्ता बड़ा अच्छा रास्ता है और वहाँ पर जाते वक्त भी बहुत सीनिक व्यू पड़ते हैं, बहुत आनंदित, मतलब मज़ा आ जाता है वो सीन भी देख के, साथ में लखनंदा जी बह रही हैं, वो भी बहुत प्यारा सीन पड़ता है। और गाइस आप जब वहाँ जाओगे ना तो आप देखोगे क्या नाम है, कैसे कैसे वहाँ पे जो उत्तराखंड के जो लोग हैं वहाँ पे कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो चीज़ बहुत देखने वाली है। मतलब कैसे वो आप रह रहे हैं, कितनी, मतलब वहाँ पर इतना ठंडा और फिर भी वो रह रहे हैं, तो उनके लिए सल्यूट बनता है एक मेरी तरफ से। तो अगर हम वहाँ पे इस रहें तो हमारा, तो हम जैसे जैसे सिटी के लोग हैं हम तो वहीं पे रह भी नहीं पाएंगे। तो सल्यूट है उनके लिए जो कि हमारे भारत देश में रह रहे हैं और हमारी जो सीमाएं हैं उनको बचा के, हमारी संस्कृति को उन्होंने बचा के रखा हुआ है। तो गाइस मैं बताता हूँ आपको, जो हम वहाँ पे गए थे हमने बताया कैसे किराए पे, कितने किराए पे जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, और जो टाइम लगता है वो आपको आधा घंटे में पहुँच जाते हैं और तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर है गाइस। अगर आपने पैदल जाना है, अगर आपके गोडों में जाना है तो आप पैदल भी जा सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और वहाँ पर आप माणा गाँव जाओगे ना तो माणा गाँव आपका कम से कम आपका एक दिन, मेरे हिसाब से 2-3 घंटे तो वहाँ पे लग ही जाएंगे अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप बद्रीनाथ टेंपल जा रहे हो तो मेरे हिसाब से आप सुबह सुबह माणा गाँव चले जाओ। मेरे हिसाब से जो मेरा व्यू है, आप सुबह माणा गाँव जाओ, ठीक है, क्योंकि बद्रीनाथ टेंपल में आपको भीड़ बहुत मिलेगी, भीड़ मिलेगी तो आपका वहाँ पर आधे से ज़्यादा दिन वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा मानना है कि अगर आप वहाँ जाओ सीधा, पहले माणा गांव जाते हो सुबह, आप वहाँ पे 10-11-12 बजे तक वहाँ से रिटर्न आ जाओगे, ठीक है, वहाँ से रिटर्न आ जाओगे। तो उसके बाद आप मंदिर में जाओगे, मंदिर में आपको 1-2 बजे के बाद कोई लाइन नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे आप दोबारा से भी मतलब दर्शन कर सकते हो और बहुत अच्छे दर्शन होते हैं गाइस। तो वहाँ पर क्योंकि जब वो भगवान का, जब वो बीच में वो ना दर्शन करना बंद कर देते हैं तो उसके बाद से ना, तो आपका बहुत ही रश जो है ख़त्म हो जाता है उस टाइम तक। आप जाओ उस टाइम, बहुत आसानी से दर्शन होते हैं। तो गाइस ये जो वीडियो है मैं आपको इस, ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाई है कि आप कैसे माणा गांव घूम सकते हो और कितने टाइम में, अगर आपने अपना, अगर आप टाइम आपके पास टाइम कम है और आप बद्रीनाथ टेंपल भी घूमना चाहते हो और माणा गांव भी घूमना चाहते हो एक दिन के अंदर, तो मेरे हिसाब से आप इस तरह आप घूम सकते हो। तो गाइस मिलते हैं वीडियो के अंदर, बाय। हेलो गाइस, आज बद्रीनाथ जी का यात्रा का सेकंड डे है बद्रीनाथ धाम में हमारा। तो आज हम, कल हमने जैसे कि दर्शन कर लिए थे बद्रीनाथ धाम जी के,
और आज हमारा जो सेकंड डे है, आज हम जा रहे हैं माना गांव। तो हमने नाश्ता कर लिया है, परोठे, आलू के परोठे थे, आलू के परोठे खाए, चाय पी, और अब हम जा रहे हैं माना गांव की तरफ। अब यहां से देखते हैं टैक्सी पकड़ते हैं या कुछ और साधन जो भी मिलता है वो पकड़ते हैं और पहुंचते हैं माना गांव और मिलते हैं वहां पे। हेलो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं माना गांव। अब देखते हैं कैसा है माना गांव। हमने वीडियोस में लोगों से तो बहुत सुना था, लेकिन आज पहली बार विजिट कर रहे हैं माना गांव, तो देखते हैं, चलते हैं माना गांव। चलिए मिलते हैं आगे। गाइस, जैसे हमने माना गांव पहुंचे तो वहां पे आपको दिखेगा कि जो माना गांव के जो लोग हैं उनका जो जीवन व्यापन का तरीका है, मतलब वो जिस हिसाब से जो वहां पे वो अपना रहते हैं, तो उनका जो रहने का है, उनका जो व्यवसाय है, मतलब जिस पे वो जिनका इनकम ऑफ सोर्स है, वो इनकम ऑफ सोर्स है गाइस हमारा जो विजिटर्स जाते हैं। एक तो वो हो गया, दूसरा जो उनका मेन जो है वहाँ पे ना वूलन, आपका जो वूलन होता है ना, तो उस वूलन पे के जो वो आपके मतलब वूलन के क्लोथ्स बनाते हैं, मतलब जैसे हाथ के ग्लव्स हो गए, पैरों की सॉक्स हो गई, सिर की कैप हो गई, तो वो चीज़ वो बनाते हैं और उनका वो मतलब और उनकी जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की वो भी बहुत बेहतर होती है। गाइस मैं अपने लिए कैप लेके आया था और ग्लव्स भी लेके आया था। तो गाइस वहाँ से अगर आप जाते हो, ठीक है, अगर आप वहाँ जाते हो, माना गांव जाते हो, तो गाइस वहाँ पे कुछ ना कुछ वहाँ पे वहाँ से परचेज करके आओ, क्योंकि गाइस वहाँ पे जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब जो उनका व्यापन जीवन व्यापन का तरीका है, तो वही एक तरीका है कि मतलब जिससे वो अपना खाना पानी करते हैं। तो गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप जाओ तो वहाँ पे कुछ ना कुछ परचेस करके ले जाओ वहाँ पे। गाइस ये है, और आप जाते हो ना वहाँ पे, तो वहाँ पे वो जड़ी बूटियाँ भी देते हैं, जैसे कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ होती है वो पहाड़ों पे ही मिलती है, जैसे शुगर बीपी और भी बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे बीमारियाँ होती हैं उनकी दवाओं की जड़ी बूटियाँ होती है वहाँ पे वो देते हैं, ठीक है। वो वूलन के कपड़े सेल करते हैं वहाँ पे, और जो उनका मतलब अपना ट्रेडिशनल जैसे वो बनाते हैं कपड़े वगैरह वो भी सेल करते हैं। तो गाइस एक तो चीज़ें ये वहाँ पे ये चीज़ें वहाँ से मिलती हैं। तो अगर मेरी गाइस आपसे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो गाइस ये चीज़ उनसे कुछ ना कुछ आप परचेज करके आएँ, बिकॉज उनका जीने का जो मतलब एक इनकम ऑफ सोर्स यही है, मैं ये कहना चाहूँगा। और गाइस आपको ये बताना चाहूँगा, आप जैसे जो ये माना गांव है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में बद्रीनाथ जी से 3 किलोमीटर ऊपर जाके है, तो आप और जो चाइना का बॉर्डर पड़ता है उससे 7-8 किलोमीटर पीछे होता होगा। तो गाइस अगर आप यहाँ पे जाते हो तो ये जैसे चढ़ोगे तो इसकी थोड़ी सी ना स्टीप में मतलब चढ़ाई में है ये, ऐसा ये जो माना विलेज है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो सबसे बड़ी बात एक तो मैंने आपको बताई कि गाइस
आपने ऐसे कुछ ना कुछ परचेस करना है, ठीक है। और दूसरा गाइस, अगर आप यहाँ पे आते हो तो कुछ भी कचरा नहीं फैलाना है, क्योंकि ये बहुत सुंदर गांव है माणा गांव जो है बहुत सुंदर, बहुत मतलब नेचुरल ब्यूटी एक नंबर गाइस। मतलब यहाँ पे आके गाइस कुछ भी कचरा मत फैलाओ। अगर कुछ लेके आते हो, जैसे वहाँ पे आप जाते हो स्टीप चढ़ाई है, तो वहाँ पे ना लोग क्या करते हैं, पानी की बोतलें लेते हैं और वहीं पे फेंक देते हैं पहाड़ों पे। ऐसे मत करो गाइस, ब्यूटी है आज अगर आपको मिल रही है तो ठीक है, क्योंकि अगर कुछ टाइम के बाद जो आप ये जनरेशन होगी अगर इस चीज़ को नहीं समझेगी तो गाइस तो बहुत भूल होगी। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा जो ब्यूटी है। तो मैं तो गाइस यही कहूँगा, कुछ भी कचरा मत करें वहाँ पे जाके। और गाइस वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ आप माणा गांव क्यों जाते हैं। माणा गांव अगर आप जाते हो वहाँ पे जाके आपको व्यास गुफा, गणेश गुफा, ठीक है, भीमपुल, सरस्वती नदी जहाँ से मतलब उद्गम हो रही है वहाँ पे आपको वो देखने को मिलती है। और गाइस बहुत एक नंबर व्यू आता है वहाँ पे अगर आप जाते देखते हो। तो गाइस मैं आपको, आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा व्यू है वहाँ पे, कैसे हमने वहाँ पे दर्शन करे व्यास गुफा में, गणेश गुफा में और सरस्वती जो नदी जहाँ से निकल रही है। तो गाइस मिलते वीडियो में, चलिए। सो गाइस हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ से रास्ता जो राइट में मुड़ेगा ये मुड़ेगा आपका गणेश गुफा और व्यास गुफा। चलो चलते हैं गणेश गुफा और व्यास गुफा की तरफ। गाइस हमने व्यास गुफा देख ली, गणेश भगवान जी की गुफा देख ली, अब हम जा रहे हैं सरस्वती नदी देखने के लिए जहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम हुआ है। और अब हम देखेंगे